विजयादशमी को लेकर के रावण महोत्सव होना है और इसके जुड़े राजेंद्र स्टेडियम में हर साल होता है, इस बार भी होना है, लेकिन इसको लेकर के संगठन और प्रशासन के बीच में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड जो है आप इसे देख सकते हैं कि वहाँ पर अच्छा विकास हुआ था और उसको लेकर के प्रशासन नहीं चाहता कि वहाँ कहीं और उसको स्थानांतरण करना चाहती थी, लेकिन संगठन से की बात होने के बाद में उसको फिर मरम्मती का कार्य हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पर इजाजत मिली है। इस बार जो है राउंड किस तरह का होगा और कितना फिटका होगा उसको लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं हुई, यहाँ पर हमारे संगठन के जो मंत्री हैं उनसे मैं बात करता हूँ। सर बताया जी सर कि क्या यहाँ पर नया कुछ होने वाला है जो हर साल होता था उससे अलग होगा? बताएं आप सभी को कि इस बार का जो राउंड इतना जो बन रहा है हर साल भारतीय साल बहुत ही अच्छा बन रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट लोग आए हैं जो गया से चलते हैं मोहम्मद जयपुर नाम होगा, कुछ नया इसलिए हम लोग करना चाह रहे हैं कि जो तो हो गए पुरानी हो गई, और रावण भद यानी जलसा सा माहौल यहाँ रहेगा, आप सभी भी इसमें सहयोग करेंगे, सहयोग आपका ये चाहिए कि डिजिटल से आप इसको मैक्सिमम लाइव कीजिए और घर में बैठे हुए जो भी हैं कम से कम वो लाइव देख लें आपके मार्फत आपके चैनल के मार्फत, तो एक छोटा सा सहयोग होगा हमारे कमेटी के। इसके पीछे मैंने रावण मारने के लिए इस बार जो कारीगर आ रहे हैं वो अलग कहाँ से आपकी तरफ? एक्चुअली वो एक्सपर्ट लोग हैं, 9 लोगों की टीम है, सारे मुस्लिम कारीगर हैं, बहुत अच्छे वो लोग घर से हैं और ये गया से आते हैं और हिंदुस्तान के जहाँ भी रावण होता है उनकी टीम जाती है और काफ़ी अनुभव है। इस बार पहली बार हम लोग सही जगह पहुँचे हैं इस काम के, इसके पहले जहाँ अंतर एक्चुअली उनका जो बॉडी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ना वो परफेक्ट है, कितना उनका गर्दन होना चाहिए, कितना बाजू होना चाहिए, कितना शरीर होना चाहिए, वो एकदम अनुपात आकलन सबसे। कल काल होता है कि पेट बड़ा हो गया, पैर छोटा हो गया, पैर लंबा हो गया, इस बार का जो राउंड होगा परफेक्ट होगा, आपको अच्छा लगेगा। व्यवस्था को लेकर क्या है? तो बहुत अच्छी, अभी डीएम साहब सर आए थे, एसपी सर आए थे, जो भी दिशा निर्देश दिए हैं फुल सब बिना पसंद सहयोग तो होगा भी नहीं, अब फुल सहयोग मिल रहा है, जो भी हम लोग बात बोल रहे हैं हम लोग बात मानी जा रही है, काम दिख रहा है, हम लोग के जिम्मे थी मार्केटिंग कर रही है और सेफ्टी एरिया से जो भी सहयोग चाहिए प्रशासन दे रहे हैं, प्रशासन आप देखें क्या व्यवस्था है। अब किस बार इस बार जो है अलग इस बार जो है अलग वो उनका लुक अलग देंगे, क्या व्यवस्थाएं लेकर क्या है जो कि हर साल जो आप लोग करते हैं और इस वर्ग में कुछ अंतर क्या होगा? देखिए जिला प्रशासन की जो टीम लगी हुई है वो बहुत एक अलग मैप बना रही है, मैप के थ्रू जो है उन लोगों का जो बैरिकेडिंग कर रहे हैं हम लोग, और जिला प्रशासन की टीम जो है वो रोड पर भी जो है जैसे थाना चौक से लेकर आप चौक पर देखेंगे तो एक अलग टाइप से आने जाने की व्यवस्था टू लेन बनाई जा रही है और टीम जो है वो काम करेगी पुलिस की टीम। और महिलाओं के लिए मतलब क्या व्यवस्था है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्री होती है, इसी लिए प्रशासन भी स्वास्थ्य सकता कि इस बार जो है हस्तांतरण किया जाए, लेकिन अब क्या हो? देखिए भीड़ तो जरूर होती है लेकिन उसको नियंत्रित करना पड़ता है, तो नियंत्रित करने के लिए पूरी ये विजयादशमी समारोह की टीम लगी हुई है और वहाँ पर महिला वॉलंटियर हम लोगों की तरफ से भी रहेगी और पुलिस की तरफ से भी महिला वॉलंटियर टीम लगेगी और महिलाओं के लिए एक अलग बैरिकेडिंग किया गया है जिस पर लगभग मान के चलिए लगभग 500 से 1000 महिला आराम से वहाँ बैठ सकती हैं और बिल्कुल अलग रहेंगी वो लोग। इस बार जो है रावण होने के बावजूद भी होने के बाद भी आप लोग का जो है कार्यक्रम में कुछ अलग चलता है जिससे लोग गाँव नहीं हो और यहाँ भी जाए? बिल्कुल इसके साथ साथ आतिशबाजी भी होती रहेगी, उसमें बीम शो लाइट शो है उसमें वो भी चलता रहेगा ताकि लोग थोड़े से रुके रहें और भीड़ धीरे धीरे खाली हो और स्टेडियम से धीरे धीरे लोग बाहर निकले ताकि नियंत्रित किया जा सके भीड़ को, और LED स्क्रीन चलता रहेगा, लाइव शो चलता रहेगा, उसके बाद जब खत्म भी हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग दोबारा उसको शो जो है वो LED स्क्रीन पर चलाते रहेंगे ताकि लोग देखें किस टाइप से हुआ था और किस हिसाब से प्रोग्राम हुआ। इसमें प्रशासन में कितना सहयोग? जिला प्रशासन का तो बहुत बड़ा सहयोग है और उन लोगों की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है ये एक मतलब अभी तक ऐसा सहयोग हम लोग को नहीं मिला था जो इस साल हम लोग को देखने को मिल रहा है, और पुलिस की टीम जो है SP साहब खुद लगे हुए हैं, अभी कुछ देर पहले आए हुए थे DM साहब SP साहब दोनों को ही, और लोग खुद नियंत्रित कर रहे हैं लोग सारी चीज़ों को, बहुत बहुत आभारी हैं हम जिला प्रशासन। थैंक यू। यहाँ पर और मिले हैं जो सर इस बार जो है नया कुछ होने जा रहा है और रावण अगले साल के पीछे यहाँ कुछ अलग दिखेगा उसको लेकर क्या सोचते हैं और क्या किस तरह का है? नहीं रावण अलग दिखने का कारण ये है कि पहले जो भी लोग रावण का किला बनाने आते थे, देखिए सबसे बड़ा विशेष तो रावण उनकी जो प्रतिमा अलावा और भी बाहर से गया से नए तरीके से उसके साथ निर्माण किया जा रहा है और करने के लिए जिला प्रशासन की पूरी यहाँ जो भी लोग आएंगे वो पिछले बार में और अभी के व्यवस्था को अलग हम लोग उनको खुद नजर आएगा प्रशासन के दृष्टिकोण से,
समिति के दृष्टिकोण से हर तरह से नया कुछ करने का प्रयास किया गया है। एक नया देखिए यहाँ आयोजन इसमें लाइट शो का किया गया है और नीचे भी जो दरी बिछवाते हैं काफी खूबसूरत नजर आएगा पूरे स्टेडियम में। व्यवस्था के नाम पर महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था पहले भी होता था लेकिन इस बार जो व्यवस्था है वो काफी चुस्त और दुरुस्त है। महिला वॉलंटियर लगाए जा रहे हैं, सबसे अपील किया जाएगा आने के समय भी और जाने के समय की कतार बंद होकर निकले, पहले महिलाओं को आने दें, पहले महिलाओं को जाने दें, उसके बाद बाकी भीड़ निकले ताकि किसी भी तरह का कोई व्यवधान आने और जाने वाले लोगों को ना सर पर कुछ इसका असर ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भीड़ के नियंत्रण करने लेकर की व्यवस्था की जा चुकी है और अलग तरह का यहाँ ग्राउंड इस बार दिखने वाला है और लाइटिंग की व्यवस्था जो है वो पिछले के पास अपेक्षा इस बार जो है अलग होगा। छपरा से प्रभात सिंह दर्शनी गुहा झारखंड।